यूपी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन इस समय स्टार्ट हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने एक प्रॉब्लम आती है जब वो अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं और फाइनल सबमिट करने के बाद जब उस स्कॉलरशिप फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करते हैं, जो प्रिंट आउट कॉलेज में जमा किया जाता है, फाइनल प्रिंट आउट निकाला जाता है, तो उस प्रिंट आउट को जब स्टूडेंट्स ओपन करते हैं तो इस तरह से उनका जो फॉर्म है वो बिल्कुल ब्लैंक आता है, उसमें कोई भी जो डिटेल्स होती है वो लिखी हुई नहीं रहती है। इस तरह से ये यहाँ पर दिखाता है और पूरी तरह से फॉर्म उनका ब्लैंक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके समझ में नहीं आता कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते रहते हैं यहाँ पर वीडियो के नीचे, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस तरह से ये मैसेज भी आते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड अभी तक नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि ये फॉर्म ब्लैंक क्यों आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये फॉर्म आखिर ब्लैंक क्यों आता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, कि आप स्कॉलरशिप से वंचित हो चुके हैं। इस बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जब भी किसी स्टूडेंट्स का फॉर्म फाइनल प्रिंट आउट इस तरह से ब्लैंक आता है तो यहाँ पर लिखकर आ जाता है, यहाँ पर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखकर आ जाता है कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन सीजन, ये कुछ भी हो सकता है, ये सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, बाकी इतना सेम रहता है लिखा हुआ कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन सीजन, यानी कि आप इस लेवल के कोर्स को ऑलरेडी पहले से कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें आपको स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, चाहे आपने एक ही बार क्यों ना स्कॉलरशिप ली हो, चाहे वो कोर्स 3 साल का हो तो 3 साल में अगर आपने एक भी बार स्कॉलरशिप ले ली होगी इसी लेवल के कोर्स में तो अब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सरकार जो रूल्स है वो पिछले 2 से 3 साल से लागू कर दिया गया है और अब एक लेवल के कोर्स में एक ही बार आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब आप समझेंगे कि ये सेम लेवल कोर्स आके रहा है क्या, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स की अगर हम बात करें, जिसकी आपका हो गया बीए, ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका बीएससी, ठीक है, इसके अलावा हो गया आपका बीकॉम, इसके अलावा होता है आपका बीबीए, ठीक है, इसी तरह से होता है बीसीए, बीलिव, ठीक है, इसके अलावा होता है आपका बीएएमएस, मेडिकल कोर्सेज जो होते हैं बीएएमएस, एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस, ठीक है, बीयूएमएस, ठीक है, बीयूएमएस, ये फिर हो गया आपका बीटेक, ठीक है, बीटेक, इस तरह से जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, जो बैचलर कोर्स होते हैं, ठीक है, बैचलर कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एक कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट नहीं भी हुआ है और आपने स्कॉलरशिप ली थी उस कोर्स में एक भी बार ले ली थी, या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया आपने बीच में ही छोड़ दिया और अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स को ही अगर आप दोबारा से करेंगे और उसमें स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे, जिसकी मान लीजिए आपने यहाँ पर पहले कोई भी एक कोर्स कर लिया, बीएससी कर ली पहले आपने, ठीक है, उसमें आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल किया और वो आपकी कंप्लीट भी हो गई या नहीं हुई उससे कोई मतलब नहीं है, और उसमें आपने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल किया था, अगर एक भी बार आपको उसमें स्कॉलरशिप मिल गई होगी तो अब आप इन्हीं में से अगर कोई दूसरा कोर्स करेंगे, जिसकी अगर आप एमबीबीएस करेंगे, बीएएमएस करेंगे, बीयूएमएस करेंगे या बीए करेंगे और अब आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो इसी तरह से फॉर्म आपका ब्लैंक आ जाएगा, बताएगा कि यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स और सीजन लिखा हुआ आ जाएगा कि पिछला जो सेम लेवल कोर्स है वो आपने किस ईयर में किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे, ठीक। इसी तरह से अगर आप किसी भी सेम लेवल कोर्स को दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे सेम लेवल कोर्स के लिए स्कॉलरशिप पाने के लिए तो इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, चाहे वो आपका पीजी कोर्सेज में हो, ठीक है, पीजी कोर्सेज में आपका होता है जिसकी एमए, ठीक है, एमए हो गया, एमएससी हो गई, एमकॉम हो गया, ठीक है, और एमबीए हो गया, इसके अलावा एमएस हो गया, ठीक है, कोई मेडिकल कोर्स हो गया या एमटेक हो गया, ठीक है, किसी भी तरह का कोई कोर्स हो गया, अगर कोर्स का लेवल सेम रहेगा, आप एक कोर्स पहले से कर चुके हैं और इसी लेवल के कोर्स में दोबारा से आप फॉर्म फिल करेंगे स्कॉलरशिप का, जिसकी एमए पहले से कर चुके हैं और अब आप कोई दूसरा या एमकॉम कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, या आप एमएससी पहले से कर चुके हैं, अब आप एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा एमएससी अगर आप पहले से कर चुके हैं, आप यहाँ पर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जो पीजी कोर्सेज हैं, मास्टर कोर्सेज जिन्हें बोलते हैं, मास्टर डिग्री, तो वहाँ पर भी इसी तरह से लिखा हुआ आ गया, यानी कि जो एक लेवल के कोर्स हैं अगर आप ऑलरेडी उस लेवल का कोर्स कर चुके हैं और उसमें आपने स्कॉलरशिप ली है, ठीक है, तो दोबारा से अगर आप उसी लेवल के कोर्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे उसी लेवल के कोर्स में तो इसी तरह से लिखा हुआ आएगा और आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का रूल है और ये आपको फॉलो करना ही होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है। सेम लेवल कोर्स में अब आप स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे, पहले ऐसा होता था कि
आप चाहें एक लेवल के कोर्स को कितनी भी बार कीजिए, आपको हर बार स्कॉलरशिप मिल जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो रूल स्टूडेंट्स पर थोपा गया है, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश शासन का रूल है। जैसे ही आप 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करते हैं, वहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है वो मैच हो जाती है। 10th क्लास का रोल नंबर इसीलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर डिटेल्स मैच करने के लिए, ठीक है। जब भी आप किसी भी स्कॉलरशिप फॉर्म में 10th क्लास का जो रोल नंबर है, अगर आप उसे गलत फिल कर देंगे तब ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जब 10th क्लास का रोल नंबर गलत फिल करेंगे तो फिर आपका जो फॉर्म है वो ये फिल होने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी एक बड़ी समस्या है, ठीक है। सारी चीज़ें 10th क्लास का रोल नंबर पर डिपेंड करती हैं। जैसे ही आप 10th क्लास का रोल नंबर फिल करते हैं, UP स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो आपके पुराने डेटा को मैच कर लेती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि आखिर ये सेम लेवल कोर्स प्रॉब्लम है क्या। जैसे कि आप अंडरग्रेजुएट कोर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और दोबारा से अंडरग्रेजुएट कोर्स में ही आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे तो आपका फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा और बताएगा कि यू हैव ऑलरेडी डन, यानी कि आप पहले से इस लेवल के कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आपने स्कॉलरशिप उसमें प्राप्त कर ली है। इसी तरह से चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हों और दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में ही अगर आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे तब भी आपका जो फॉर्म है वो ब्लैंक हो जाएगा और इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी स्कॉलरशिप से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।